हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम कुछ डिफरेंट लेते हैं, थोड़ा फेस ट्राई करते हैं या कैरेक्टर भी ट्राई करते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट जो हमें एनिमेशन में यूज़ होते हैं कैरेक्टर। अगर जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट मिली है, अगर हमें किसी ने बोला है कि कैरेक्टर एक विलेजर हो या किसान हो, तो वो कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? क्योंकि ऐसे कैरेक्टर बनाने में ना सबको दिक्कत होती है। मेन कहाँ पे आती है प्रॉब्लम? फेस बनाने में। तो सबसे इजी वे देखते हैं कैसे हो सकता है, कि हम सबसे ज़्यादा आसान अपने काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रैंडमली एक कैरेक्टर, एक रेफरेंस के लिए अपना एक कोई कैरेक्टर, विलेज का कोई कैरेक्टर या फार्मर जो भी है उसको लेते हैं, तो उसको बना के देखते हैं। पहले सपोज मैंने कोई कैरेक्टर, ये एक अंकल का कैरेक्टर है, ये यहाँ से लिया और इसको रख दिया अपने इसी में। अब कैरेक्टर डिजाइनिंग की बता रहा हूँ मैं, अभी जस्ट हमें कैसे बनाना है ये देखना है। अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा काम अपना करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना इसको लॉक करो और इसको मैनुअली स्केच करो, सिर्फ जैसे हम करते आए हैं वैसे करो। देखो अभी इसके अंदर हमें थोड़ी सी डिटेलिंग देखनी है कि क्या क्या है। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारा, हम पहले इसको थोड़ा सा स्केच कर लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन देखी जाती है और वो कैसे बनती है ऐसे प्रैक्टिस से ही, अगर आप प्रैक्टिस करोगे जभी। और हाँ, बहुत लोगों का पता ये क्वेश्चन होता है कि हम कितने दिन में स्केचिंग सीख जाएंगे, तो भाई ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आप रात दिन काम करोगे या डेली करोगे, ये आप पूरा टाइम इसको दे रहे हो, तो आपका काम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अगर आप टाइम नहीं दे रहे किसी भी काम को, तो वो जल्दी इतना सही नहीं होगा। सबका यही क्वेश्चन रहता है कि मैं कितने दिन में स्केचिंग करना सीख जाऊंगा, ड्राइंग करना सीख जाऊंगा। और पहली बात, मैं जो ये बताता हूँ ये एनिमेशन से रिलेटेड कैरेक्टर बताता हूँ, या जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज जो देता हूँ एनिमेशन से रिलेटेड नॉलेज देता हूँ, कि एनिमेशन कैसे होता है, उसमें कैसे कैरेक्टर बनते हैं। आगे मैं एनिमेशन भी कराऊंगा, पर उससे पहले थोड़ी सी कैरेक्टर की नॉलेज हो जाए, पता लग जाए, उसके बाद थोड़ा सा एनिमेशन भी, क्योंकि मैंने भी जो किया था पहले स्केचिंग ही की थी, उसके बाद हम एनिमेशन में आए थे। तो अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दोगे, आप अपनी ड्राइंग को या स्केचिंग को किसी को भी टाइम नहीं दोगे, तो वो नहीं इतनी जल्दी आ पाएगी। और सब बोलते हैं इसके अंदर फ्यूचर क्या है, तो भाई फ्यूचर का तो ऐसा है कि अगर आप स्टोरी बनाओगे या राइम्स बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, कार्टून बनाओगे, जाहिर सी बात है उसका फ्यूचर है। वो तो डिपेंड करता है हमारे काम के एक लेवल पे कि हम कैसा काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। अगर आपका काम बहुत बढ़िया है तो आप बाहर भी काम कर सकते हो, नॉर्मल भी है तो भी काम कर सकते हो, दिल्ली में भी काम कर सकते हो, बाहर भी काम कर सकते हो, फ्रीलांस भी कर सकते हो। तो पर उससे पहले, सबसे पहले ये है कि हमें काम आना चाहिए। ठीक है, अगर काम नहीं आएगा कैसे करना है वो तो देखो, उसके लिए तो हम हैं आपके भैया, पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब के भाई ये कोई चाय तो है नहीं कि एक दिन पी ली और एक महीने के अंदर भाई स्केचिंग पूरी सही हो गई या ड्राइंग पेंटिंग। और अभी एक भाई का मैसेज आया था, तो वो फाइन आर्ट वाली काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि वो करें या ना करें। तो भाई करो, देखो हर एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, जो एक लेवल पे पहुँचा है उसने बहुत मेहनत की है। अगर आप उसके जैसा करना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत करो। अगर वो कोई भी आर्टिस्ट आपको कुछ बता रहा है तो, या वो एकदम से बना रहा है, तो उसकी उसमें मेहनत है, बहुत मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की है। मैं भी बता रहा हूँ तो थोड़ी बहुत तो मैंने भी की है भाई। तो अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है, तो पहले अगर आपको पेंटिंग भी करनी है, ड्राइंग करनी है, एनिमेशन करना है, गेमिंग करनी है,
तो देखो आपको ड्राइंग आनी चाहिए, इतनी नहीं पर हाँ इतनी तो आनी चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट भी समझा सको। अगर आपको कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट भी बनना है तो उसके लिए भी आपको ड्राइंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो ये देखते हैं हमारा एक कैरेक्टर तैयार हो गया, ठीक है चलो इसको हम हाइड करते हैं। ये हमने रफली एक सॉरी थोड़ा सा एक मिनट और देख लेते हैं, थोड़ी और डिटेलिंग देख लेते हैं इस पर। ये तो हाँ डिटेलिंग तो देखनी ही है थोड़ी बहुत इनकी, क्योंकि कैरेक्टर में थोड़ी सी ओल्ड है। हाँ अब पहली बात, जब ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी स्किन ना थोड़ी सी डल हो जाती है, नीचे मतलब झुकने लग जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो इसका ध्यान रखना अगर आप कोई ओल्ड कैरेक्टर बना रहे हो। देखते हैं ठीक है, इतना ठीक है थोड़ा समझाने के लिए। तो चलो ये हमने रेफरेंस ले लिया बस जस्ट ऐसे ही, ठीक है। वैसे तो ये भी कैरेक्टर तैयार हो चुका है, चाहे तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अपने, जैसे आपके पास कोई काम आया है फ्रीलांस आया है ऑफिस में बोल रहे हैं कि ओल्ड कैरेक्टर, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। पर हम इससे एक नया कैरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं ठीक है। तो देखो हमारा सबसे पहला मेथड वही है अपना बेसिक, बेसिक लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लेने से हमें पता लग जाता है कि हमें अपना काम कैसे और किस फ्लो में करना है, इसीलिए हम बेसिक लेते हैं। ये तो वैसे अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे क्या ले रहा हूँ कर रहा हूँ। देखो मैं वैसा नहीं बनाऊँगा, जस्ट उससे कुछ चीज़ें उठाऊँगा यहाँ पे, फिर अपना काम करूँगा कि मेरा कैरेक्टर भी डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा, और आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे क्या बनाना है। अब देखो ये कैरेक्टर अगर हम ओल्ड बना रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको हल्का सा ही अंदर जाएगा, और ये हिस्सा क्योंकि थोड़ा सा जो ओल्ड होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं थोड़ा सा, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वैसे तो कोई नहीं, हमें कैरेक्टर डिफरेंट करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इनकी आईब्रो मेरे कैरेक्टर की, थोड़ा सा आइस को देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगी आइस, और इस छोटी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी यहाँ पे। अपनी ऑब्जर्वेशन भी लगानी है किसी भी कैरेक्टर में बनाते टाइम। तो हम जितना रेफरेंस लेके काम करें, मैं फिर बोलूँगा बहुत सही है, रेफरेंस लेके ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस से हमें आइडिया रहता है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं। अगर आप गेम पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट करें गेमिंग जोन पे। आप गेम वाले कैरेक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाएं गेम खेलें और देखें, उसके बैकग्राउंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे एक चैनल है हमारे सर हैं सूरज सर, उनका एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगा उनका चैनल गेमिंग में, तो आप प्लीज़ विजिट ज़रूर करें उनके चैनल पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका, एक बार देखें और उसमें से आइडिया लें आप बैकग्राउंड और कैरेक्टर का, वो जो है आप कोई भी देख सकते हैं गेम, तो
पर हाँ वो थोड़ा सा अच्छा गेम खेलते हैं, तो आप एक बार जरूर देखें ये। हम तो देखो ये थोड़ी सी मसल्स जो इनकी दिखानी है हमें, कान हमारे इस तरीके से, ये ऐसे भी होते हैं कान हमारे बहुत से, तो ओके डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो ये मैंने इतना बना दिया है, अब ठीक है ये मूछें हैं इनकी तो ताऊजी वाली, तो इनको देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ लिप बना लेते हैं हल्के से, तो लिप अपने लिप पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। ठीक है ये हमारा कैरेक्टर, क्योंकि अभी हम रफली इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करना है, बस हमें प्रॉपर्टीज लेनी है कि ऐसे हमारा कैरेक्टर होगा, तो वो हम देखते हैं। अब देखो इसकी मूछें देखते हैं, थोड़ा सा ये ओल्डिश आ गया है। अब ये देखो, अब इसका मैंने कर्व कैसे लिया है, इस तरीके से, या तो इस तरीके से भी बना सकते हैं या नॉर्मल इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मूछों के ऊपर थोड़ा सा, तो उसके यहाँ से ही मूछें होती हैं, तो ये एस टाइप से बनेगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये चीजें शायद आपको कोई नहीं बताता, कोई क्या, मुझे भी कोई नहीं बताता था ये सब चीजें कि इस तरीके से यार कैसे लो कैसे, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है हिंदी ज्ञान तून ज्ञान, इसीलिए कहा जाता है इसको, कि आपको सारा इजी मिलेगा इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। चाहे तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, वो अगर बड़ा करनी है तो दाढ़ी कैरेक्टर की, ये देखो थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं इसमें, हल्की हल्की सी दाढ़ी यहाँ पे, क्योंकि हम दिन भर तो यही कैरेक्टर बनाते हैं ऑफिस में इस तरह के फ्लैश में, तो हमें दिक्कत नहीं होती। पर हाँ अगर कोई न्यू कैरेक्टर आता है तो जाहिर सी बात है हमें रेफरेंस लेके काम करना होगा, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फ्रीलांस करते हैं तो प्लीज़ रेफरेंस लेके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, हमें काम का आउटपुट देना है, हमारा आउटपुट कैसे आएगा, चाहे रेफरेंस से लें या वैसे, पर हमें आउटपुट से मतलब है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा हमारा अंकल टाइप ओल्डी टाइप, वो ये तो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बट हाँ एक कैरेक्टर हमारा तैयार हो चुका है। अब देखो इस पे कुछ पगड़ी से बनाते हैं, ट्राई करते हैं। अब ये देखो ये ऐसे है, तो जाहिर सी बात है यूं ऐसे पगड़ी ऐसे जाएगी कान के ऊपर से, और ये अब देखो ये तो हमारा ऐसे हो गया, अभी रफली बना दिया है इसको, तो इसको थोड़ा सा फाइनल करेंगे, ठीक है। ये हमारा अब यहाँ पे हमारे ये बाल होते हैं, तो इसको भी देखना है, कनौती जिसे बोलते हैं हम साइड में, ये खत जिसे बोलते हैं, ये बना दी, थोड़े से बाल यहाँ से पीछे से निकाल दिए, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर एक भीमा टाइप का जैसे होते हैं ना गांव के सरपंच के, जो लठैत टाइप के, ठीक है।
आप उसको देखो थोड़ा सा फाइनल करके देखते हैं, ज़्यादा ही हो गया है तो कोई नहीं, अब देखते हैं इसको। तो इसको फाइनल करके देखते हैं कि क्या बनता है ये कैरेक्टर। थोड़ी सी डिटेलिंग आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो रह जाती है। ये हमारा कैरेक्टर की आईब्रो थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी, चाहे तो और भी बड़ी बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा और डरावना लगेगा कैरेक्टर। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कैरेक्टर डिजाइनिंग में। तो यहाँ पे ये डिटेलिंग के पार्ट हमें ऐड करने चाहिए, चाहे तो हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं या दूसरी भी बना सकते हैं आप इस तरीके से, सेम इधर भी इसे कॉपी कर सकते हो। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, अभी इसमें नहीं हो सकता, तो बना ही लेते तो अच्छा था, शॉर्टकट नहीं है करना, शॉर्टकट करने से फिर काम खराब हो जाएगा। तो शॉर्टकट नहीं, मैनुअली बनाओ, शॉर्टकट यूज़ मत करो अभी स्टार्टिंग में, मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि हमें तो आदत है शॉर्टकट में काम करने की। प्लीज़ आप शॉर्टकट ना करें, प्रॉपर तरीके से काम करें जिससे कि आपका काम आसान हो। ये देखते हैं, ये कैरेक्टर देखो थोड़ा सा बढ़िया बन जाएगा। हमारी कान लाइन, ये चलो इसके बाल ही बना देते हैं, थोड़ा सा रामी टाइप कैरेक्टर, शैडो डाल देते हैं, थोड़ी सी लाइन बना देते हैं और यहाँ पे छोटी छोटी दाढ़ी बना देते हैं क्योंकि ऐसे ही थोड़े से बुलेट हेड टाइप से कुछ कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं। ये देखो ठीक है, अब ये इसके बाल थोड़े से बड़े, पहले थोड़ा सा इसको और फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पर इसके बाल हो जाएंगे ऐड थोड़े से तरीके से,
अब ये देखो, तो देखते हैं थोड़ा सा पीछे, हमारा कैरेक्टर रेडी हो गया। चाहे तो हम इसको एक साइड बाल बना के ऐसे भी रख सकते हैं, ये बाल इसके बना दिए, ये हमारा कैरेक्टर। आपको चाहे तो हम इसको थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, अगर इसने कुछ पहना है तो। चलो थोड़ा इतना कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हाइट। अब ये देखो हमारा एक कैरेक्टर रेडी हो चुका है। अब इसमें हल्का सा थोड़ा सा हम कलर ऐड करते हैं, ये हल्का सा ग्रे कलर, हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा दिखना चाहिए। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमारा कैरेक्टर लाइटिंग में आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कैरेक्टर, तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा कि कैसा हमारा काम हुआ है इसमें। रफली एक कैरेक्टर ले लिया है, मैनुअली कलर कर रहा हूँ उसको मैं हल्का सा। ये सिर्फ बताने के लिए है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। सॉरी, देखो ठीक है, ये हमारा कलर आ गया। तो हमारा जो मेन फोटो था हमारा कैरेक्टर का था, तो आपको ये समझ में आया होगा कैरेक्टर कैसे करते हैं। तो अब आप लोगों को ये इतना समझ में आया कैरेक्टर मॉडिफाई कैसे करते हैं या कैरेक्टर को डिफरेंट कैसे बनाते हैं, और ये भी क्लियर होगा हुआ होगा कि हमें ड्राइंग क्यों करनी चाहिए। शायद आप लोगों का जिनका क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए आगे, तो भाई प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं आएगा, कभी भी नहीं कर पाओगे कि वो बंदा कैसे काम करता है कैसे करता है। अगर आप जब तक नहीं करोगे तो आप भी नहीं कर पाओगे। उस बंदे ने तो बहुत मेहनत की है, और आप भी करो। और हाँ, याद रखो कि एक दिन का खेल नहीं है या एक महीने का नहीं है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ इसको सीरियस लो और काम करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई चाय कॉफ़ी या कोई खाना नहीं है कि एक दिन खा लिया और पेट भर गया। ये कंटिन्यू काम करने का प्रोसेस है, वो भी घंटों घंटे प्रैक्टिस करनी है। मैंने फिर बताया था आपको कि अगर हम कुछ बना भी रहे हैं तो अगर हमें अपने हाथ का फ्लो सही करना है, तो जाहिर सी बात है हमें ही सर्कल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी पेपर पे, घंटों तक कंटिन्यू एक तरीके से। अगर इस तरीके से आप आधा घंटा चलाएंगे या एक घंटा चलाएंगे, जब आपका हाथ का फ्लो सही हो सकता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर आप चलाएंगे, जब आपका फ्लो इस तरीके से आएगा, ये देखिए ऐसे जब आएगा, मैं पेपर पे भी ऐसा ही फ्लो करता हूँ, उससे क्या कि आपको भी बनाना पड़ेगा कंटिन्यू घंटों तक। ये देखिए स्ट्रोक जब भी सही होंगे, स्केचिंग जब भी सही होगी, मैं जब भी अगर कोई एकदम से सर्कल बना के काम कर लेता हूँ, वो इसलिए कि भाई मैंने पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो एक दिन का खेल नहीं है ये, बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, इसीलिए अगर जल्दी ही करना होता या एक दिन का होता तो मैं भी बहुत पहले सीख जाता था, या और भी बहुत से लोग हैं जो, ये देखो हाथ सेकंड में एक फेस। तो इसके लिए भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो भटके ना। अगर आपको इस एनिमेशन लाइन में या गेमिंग लाइन में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनना है,
उसके लिए आपको स्केचिंग करनी ही पड़ेगी, और एक दिन में नहीं होगी ये सही, आपको इसको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन ना पूछें कि कितने दिन में सही हो जाएगी, मैं कैसे करूँगा। भाई मेरे के साथ भी यही था, मेरे साथ क्या, हम सब दोस्तों के साथ भी यही था। आप चाहें तो और लोगों से भी पूछ सकते हैं, किसी भी बड़े आर्टिस्ट से पूछ सकते हैं कि उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी एक टाइम। अभी ऐसा भी आ जाता है हमारा, सब कुछ आते हुए भी नहीं आता। आज सुबह ऑफिस की बात है कि मैंने 2 दिन से कंटिन्यू, मेरे से कैरेक्टर नहीं बन रहे हैं, और जबकि सब कुछ आता है, नहीं बनते कैरेक्टर भाई, नहीं आता कभी कभार। अब ये तो नहीं है कि प्रैक्टिस छोड़ देंगे या करना भूल गया मैं, बट हाँ प्रैक्टिस तो करता ही हूँ मैं। अगर आपको बता रहा हूँ तो ये भी मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो पहले ओनली बस सर्कल 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 बनाता था कंटिन्यू घंटों तक। ये अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ इसकी, जब भी हाथ का फ्लो आता था। इसी दिन मैं आपको पेपर और पेंसिल पे फ्लो दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है, कि हमें कैसी लाइंस थिकनेस ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है पेंसिल से, क्योंकि जब तक हमारा पेंसिल पे हाथ सही नहीं होगा तो हम यहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भाई मैं तो नहीं कर पाता। जब तक मेरा पेपर पेंसिल सही नहीं था, जब तक मैं यहाँ पे नहीं कर पाया। बाकी और किसी का भी अगर होता है सही, अगर डिजिटली पीसी पे या पेन टैबलेट पे या आईपैड पे, तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। पर मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो पहले मैंने पेपर पे ही हाथ सही किया पेपर पेंसिल से, उसके बाद मेरा काम सही हुआ है। तो प्लीज़ ये फिर ना बोलें कि हमें कितने दिन में स्केचिंग आ जाएगी, हम कब तक सीख जाएंगे। तो भाई इसका कोई टाइम कोई नहीं बता सकता, ये आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप 24 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो ना काम की, तो आपका रिजल्ट आपको 1 महीने में भी दिखने लग जाएगा। अगर आप डेली की अगर 50 स्केच बनाते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप छोटी सी भी कोई चीज़ बना रहे हो तो भाई प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो मैं इससे भी देखो नॉर्मल कैरेक्टर तैयार हो गया है, और भाई ये प्रैक्टिस से ही तो है। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जब अच्छा होगा कुछ भी तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको आर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आर्क की प्रैक्टिस करनी है भाई, कुछ देर तो करना है ना। अगर कर रहे हो तो कर लो, जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा। ये लाइंस की प्रैक्टिस, सर्कल की प्रैक्टिस, ओवल की प्रैक्टिस, भाई ये नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और हाँ रेफरेंस से कैसे कैरेक्टर बनाते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आगे मिलते हैं, कि ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा बना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, एक गांव का कैरेक्टर भीमा टाइप। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, इसी का टॉपिक लेके। ठीक है, तो धन्यवाद शुक्रिया, और मेरी को इतना लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जैसा आपका प्यार मिल रहा है मेरी वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।